हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शीला। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द होमी मील्स में। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सूजी के फूले फूले अप्पे, जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं। ये ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट, बहुत झटपट से ये बनकर तैयार हो जाते हैं। और साथ ही साथ हम बनाएंगे इसके लिए एक चटपटी सी मूँगफली की चटनी, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को। तो दोस्तों, अप्पे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 कप सूजी ले लिया है। इसे हम इस बाउल में डाल देंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे दही। तो जिस कप से मैंने यहाँ पर 1 कप सूजी लिया था, उसी कप से हम इसमें 1/2 कप दही इसमें ऐड कर देंगे। और दही हल्की सी आपकी खट्टी होनी चाहिए, जिससे कि अप्पे आपके बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। और इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब हम इसमें डालेंगे पानी, और पानी डालकर इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो पानी इसमें हमें यहाँ पर एकदम थोड़ा थोड़ा करके डालना है, और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स करके एक बढ़िया सा गाढ़ा सा घोल बनाकर तैयार कर लेना है। तो अब ये सूजी हमारी बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है, और इसे मिक्स करने में हमें यहाँ पर 1/2 कप पानी लग गया है। तो अब ये बढ़िया सा बैटर बन गया है। इसे अभी हम रख देंगे फूलने के लिए 25 से 30 मिनट के लिए, और तब तक हम इसके लिए एक चटपटी सी चटनी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर गैस के ऊपर एक पैन रख दिया है। अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 कप की जितना मूँगफली, और इसे डालकर इसे हम अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेंगे। और गैस के फ्लेम को हमें यहाँ पर मीडियम पर करके रखना है, और मीडियम फ्लेम पर इसे हमें लगातार चलाते हुए अच्छे से इसे हमें भून लेना है। तो अब यहाँ पर इस मूंगफली को भूनते हुए हमें 4 से 5 मिनट हो गया है, और ये देखिए मूंगफली हमारी बहुत अच्छे से भून गई है। तो इसे अभी हम एक प्लेट में निकाल कर रख देंगे ठंडा होने के लिए, और जब ये अच्छे से ठंडी हो जाएगी तब हम इसे छील कर इसकी चटनी बनाएंगे। तो अब ये मूंगफली हमारी चटनी के लिए एकदम तैयार है। तो इस भुनी हुई मूंगफली को हम इस जार में डाल देंगे, और 1/2 इंच अदरक के टुकड़े को बारीक कट करके हम इसमें डालेंगे, और 4 से 5 कली लहसुन हम इसमें डाल देंगे। और इसी के साथ हम इसमें ऐड कर देंगे हरा धनिया, धनिया को हम कट करके डालेंगे। साथ ही साथ 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च हम इसमें डाल देंगे, और 1 छोटी चम्मच हम इसमें डाल देंगे साबुत जीरा, और स्वाद के अनुसार नमक हम इसमें डाल देंगे। तो नमक मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें डालें। और चटनी को चटपटा बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे 1 नींबू का जूस। तो अब हम इसमें 2 से 3 चम्मच के जितना पानी डाल देंगे, और चटनी को एकदम महीन पीस कर तैयार कर लेंगे। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये चटनी हमारी बहुत अच्छे से ग्राइंड हो गई है। तो इसे मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है, आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से महीन और एकदम स्मूथ बनकर तैयार हुई है। तो अब इस चटनी को हम रख देंगे साइड में, और इधर सूजी को भी रखे हुए हमें 25 से 30 मिनट हो गया है, और ये देखिए सूजी हमारी बहुत अच्छे से फूल गई है। तो इसे इस तरह से एक बार हमें बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो अब यहाँ पर ये सूजी का बैटर हमारा एकदम बढ़िया से तैयार हो गया है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे हरी सब्जियाँ। तो मैंने यहाँ पर 1 मीडियम साइज का प्याज ले लिया है, और 1 मीडियम साइज का मैंने यहाँ पर टमाटर ले लिया है, 1 गाजर ले लिया है मैंने यहाँ पर, और 1 मीडियम साइज का शिमला मिर्च ले लिया है। इन सबको मैंने यहाँ पर बारीक बारीक कट कर लिया है। तो अब इन कटी हुई सब्जियों को हम इसमें डाल देंगे, और सब्जियाँ यहाँ पर आप अपनी पसंद की इसमें और भी आप डाल सकते हैं, जैसे कि इसमें आप मटर या फिर बीन्स, जो भी सब्जी आपको पसंद है अपनी पसंद की सब्जी इसमें आप ऐड कर दीजिए। और इसमें हम ऐड करेंगे 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। तो अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसमें आप तीखा कम डालें। साथ ही साथ 1/2 इंच अदरक के टुकड़े को मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है, इसे हम इसमें डाल देंगे। और 1 छोटी चम्मच हम इसमें डाल देंगे जीरे का पाउडर, और 1 चम्मच हम इसमें डाल देंगे चाट मसाला, और साथ ही साथ 1/4 टीस्पून हम इसमें डाल देंगे कुटी हुई काली मिर्च पाउडर, और स्वाद के अनुसार नमक हम इसमें डाल देंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और इन सबको डालकर इसे हमें बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो अभी ये मिक्स हमारा हल्का सा गाढ़ा लग रहा है, तो अब हम इसमें डाल देंगे 2 से 3 चम्मच के जितना पानी, और इसे डालकर इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अप्पे बनाने के लिए मिक्स बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए। और जब इस मिक्स को हम इस तरह से थोड़ा सा ऊपर से गिराएं और ये आसानी से गिरने लग जाए, तब ये मिक्स हमारा अब एकदम परफेक्ट है। तो यहाँ पर ये मिक्स हमारा अब एकदम तैयार है। तो इसे अभी हम रख देंगे साइड में, और इसके लिए हम बना लेंगे एक तड़का। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर गैस के ऊपर एक तड़का पैन रख दिया है। अब हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच के जितना तेल, और तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। गैस के फ्लेम को हमें यहाँ पर एकदम लो पर करके रखना है। तो जैसे ये तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा, हम इसमें डाल देंगे 2 छोटी चम्मच के जितना राई, और राई को अच्छे से तड़कने देंगे। और तुरंत ही हम इसमें डाल देंगे 10 से 12 करी पत्ता, और गैस के फ्लेम को अब हम बंद कर देंगे। तो अब ये तड़का हमारा बहुत अच्छे से तैयार है। तो 1/2 तड़के को हम डाल देंगे सूजी वाले मिक्स में, और इसे डालकर इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और 1/2 तड़के को हम डाल देंगे मूँगफली वाली चटनी में, और इसे डालकर भी हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अभी ये मूँगफली की हमारी चटपटी सी चटनी बनकर तैयार है खाने के लिए। तो इसे अभी हम रख देंगे साइड में,
और इधर ये सूजी का मिक्स भी बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे 1/4 टीस्पून के जितना बेकिंग सोडा और इसे डालकर इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इससे जो है अप्पे हमारे बहुत ज़्यादा फूले फूले बनेंगे। तो अब ये मिक्स अप्पे बनाने के लिए अच्छे से तैयार हो गया है और इधर गैस के ऊपर मैंने अप्पे मेकर रख दिया है। तो अब हम इसके ऊपर तेल लगा देंगे। तेल से इसे हम अच्छे से ग्रीस कर देंगे। आप चाहें तो इसे आप देसी घी में भी बना सकते हैं और अगर इसे आप हेल्दी खाना चाहते हैं तो इसे आप बगैर तेल के भी बना सकते हैं। अब इसमें 1-1 चम्मच भर के ये अप्पे मिक्स हम इसमें डाल देंगे। तो ये मिक्स इसमें हमें बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना है ना इसमें हमें बहुत ज़्यादा कम भरना है। तो जितना ये मिक्स इसमें आसानी से आ जाए उतना इसमें हमें डाल देना है क्योंकि ये अप्पे पकने के बाद थोड़े से फूलते भी हैं। तो अप्पे के मिक्स को मैंने इसमें अच्छे से डाल दिया है। अभी से हम ढक देंगे। ढककर इसे हम पकाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए और गैस की फ्लेम को हमें यहाँ पर एकदम धीमा करके रखना है। तो अब यहाँ पर इनको पकाते हुए हमें 3-4 मिनट हो गया है और आप देख सकते हैं अप्पे बहुत अच्छे से फूल गए हैं। तो अब हम इसके ऊपर अच्छे से तेल लगा देंगे। तो अब इनको हमें 1-1 करके पलट देना है और दूसरी साइड भी इसे हम 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे और गैस के फ्लेम को हमें यहाँ पर लो टू मीडियम पर करके रखना है। तो अब यहाँ पर इस अप्पे को मैंने पलट दिया है और ये देखिए इसमें कितना बढ़िया सा कलर आने लग गया है, आप देख सकते हैं। तो इसके ऊपर हमें एक बार और हल्का सा तेल लगा देना है और फिर इसे हमें उलट पलट कर गोल्डन क्रिस्पी होने तक इसे हमें अच्छे से पका लेना है। गैस के फ्लेम को हमें यहाँ पर लो टू मीडियम पर करके रखना है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर ये हमारे सूजी के फूले फूले अप्पे बनकर तैयार है खाने के लिए और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आ गया है इसमें। तो ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुए हैं। बहुत आसानी से झटपट से ये बनकर तैयार हो जाते हैं। तो इसे हम निकाल लेते हैं प्लेट में। तो फ्रेंड्स इस रेसिपी को घर में आप ज़रूर बनाएं। इस तरह से बनाकर आप अपने बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकती हैं। इसमें बहुत सारी सब्जियां हैं तो ये हेल्दी भी बहुत हैं। इससे आप ग्रीन चटनी सॉस या फिर इस तरह से मूंगफली की चटनी के साथ आप इसे सर्व कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स अगर आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब हम एक अप्पे आपको तोड़कर भी दिखाते हैं। ये देखिए कितने फूले फूले और जालीदार बनकर तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं इसी तरह से एक दूसरी रेसिपी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।